आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल जिक के से उन्नीस सौ बहत्तर और इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ प्रैक्टिस ऑफ प्रोफेसर से रिलेटेड वैकेंसी अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं या आप देखिए इन्विटेशन ऑफ नॉमिनेसन्स ऑन रोलिंग बेसिस फॉर प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस यानी यूनिवर्सिटी के द्वारा प्रैक्टिस के प्रोफेसर के लिए रोलिंग बेसिस पर नामांकन आमंत्रित किया जाता है कौन सी यूनिवर्सिटी के द्वारा ये विज्ञापन जो है जारी किया गया है यह आप देखिए विश्वविद्यालय में स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम पढ़ाने के लिए यूनिवर्सिटी के द्वारा ये जो प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस है इसकी नियुक्ति की जा रही है नई शिक्षा नीति जो है 2020 उसके तहत यूजीसी के द्वारा ये प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस नाम से नया जो है पद सृजित किया है और ये पद जो है इसके तहत जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट हैं चाहे कॉलेज यूनिवर्सिटी या फिर प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट्स या प्रोफेशनल फील्ड्स जो हैं उनके अंदर संकाय सदस्यों की नियुक्ति करने के लिए और यूजीसी के द्वारा ये प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस जो है इसकी नियुक्ति की जाती है ठीक है तो प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस की नियुक्ति के लिए यूजीसी के द्वारा क्या एलिजिबिलिटी रखी गई है क्या पात्रताएं या योग्यताएं रखी गई हैं तो इसमें पहले जो योग्यता बताई गई है यूनिवर्सिटी के द्वारा वो आप देखिए कि वह प्रतिष्ठित विशेषज्ञ होना चाहिए ऐसा प्रतिष्ठित विशेषज्ञ जिन्होंने विभिन्न व्यवसायिक क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान दिया है और जिनके पास ऐसे विशिष्ट पैसे या व्यवसाय के रूप में कार्य करने का पंद्रह वर्ष का जो है एक्सपीरियंस है अब वो किसी भी फील्ड के अंदर आवश्यकता होगी उसके अकॉर्डिंग उस फील्ड के अंदर उसको पंद्रह साल का जो है कार्य करने का उस व्यवसाय का उस पैसे का जो है वो एक्सपीरियंस होना चाहिए ठीक है तो इसमें यूनिवर्सिटी ने कहा है कि जिस फील्ड के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उस फील्ड के अंदर आपके पास में कम से कम मास्टर डिग्री होनी चाहिए और उसमें पिचपन प्रतिशत मार्क्स होने चाहिए ठीक है और जिस फील्ड के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उस फील्ड के अंदर कार्य करने का आपके पास में पंद्रह वर्ष का एक्सपीरियंस होना चाहिए ठीक है दूसरी जो बात है इसमें यह कही है कि पीएचडी की जो डिग्री है वो वांछनीय है ठीक है बट नॉट मैंडेटरी अनिवार्य नहीं है अगर आप पी एच डी क्वालिफाइड है तो बहुत अच्छी बात है सोने पे सुहागा है लेकिन अगर आप पी एच डी क्वालिफाइड नहीं है तो भी जो है आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं ठीक है तीसरी जो बात है वो क्या कही है कि उम्मीदवारों के पास शिक्षण में नवाचार लाने छात्रों की तकनीकी परियोजनाओं का मार्गदर्शन करने और उद्योग परियोजनाओं के समन्वय का उत्कृष्ट ट्रैक रिकॉर्ड उसके पास में होना चाहिए उनमें उत्कृष्ट नेतृत्व और संचार कौशल छात्रों को पढ़ाने और प्रेरित करने का जुनून और सहयोग करने का उत्साह होना चाहिए ये भी उसके अंदर क्वालिटी होनी चाहिए इसके बाद में आगे क्या कहा है यूनिवर्सिटी के द्वारा प्रतिष्ठित पेशेवरों के पास सिद्ध विशेषज्ञता है और जिन्होंने कम से कम पंद्रह वर्षों के सेवा अनुभव के साथ विभिन्न क्षेत्रों के अंदर जो है योगदान प्रदान किया है वो प्रैक्टिस के प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं अब इसमें आप देख सकते हैं किस किस फील्ड्स के अंदर यूनिवर्सिटी के द्वारा ये जो है रिक्रूटमेंट जो है वो जारी किया गया है तो इसमें पहला है ये आपके सामने डाटा साइंस बिजनेस इंटेलिजेंस एंड एनालिस्टिक ठीक है दूसरा ये इंटरप्रन्यरशिप तीसरा है ए आई एम आई ब्लॉक चेन या फिर साइबर सिक्योरिटी ये जो फील्ड है इनके लिए यूनिवर्सिटी के द्वारा प्रैक्टिस के प्रोफेसर के लिए जो है ये रोलिंग विज्ञापन जारी किया गया है ठीक है इसके बाद आप देख सकते हैं ये यूनिवर्सिटी के द्वारा टर्नोवर बताया गया है कार्यकाल जो है वो बताया गया है तो इसमें यूनिवर्सिटी ने ये कहा है इस पूरे के अंदर कि पद अस्थाई एवं संविदात्मक आधार पर है ठीक है टेम्परेरी और कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस प्रैक्टिस प्रोफेसर एक गैर कार्यकाल वाली नियुक्ति है ठीक है नॉन टर्नियोअर्ड अपॉइंटमेंट एंगेजमेंट जो है ये प्रारंभ में एक वर्ष की अवधि के लिए किया जाएगा इसका शुरुआत में जो आपकी नियुक्ति होगी वो सिर्फ एक वर्ष के लिए की जाएगी और बाद में जो है इसका विस्तार कर दिया जाएगा ठीक है मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय एक मूल्यांकन करेगा और विस्तार के बारे में निर्णय लेगा ठीक है विश्वविद्यालय प्रैक्टिस के प्रोफेसर के रूप में विशेषज्ञों के योगदान और आवश्यकता के आधार पर विस्तार के लिए अपने स्वयं की मूल्यांकन प्रक्रिया तैयार करेगा तो इसमें शुरू के अंदर आपकी जो नियुक्ति होगी वो एक वर्ष के लिए की जाएगी फिर यूनिवर्सिटी के द्वारा आपके कार्य का मूल्यांकन किया जाएगा और उसके बाद में आपकी जो आपका जो कार्यकाल है उसको आगे बढ़ा दिया जाएगा ठीक है ये इसके बाद में है ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज यानी प्रैक्टिस और प्रोफेसर की क्या क्या ड्यूटीज होती हैं तो इसमें बताया गया है जैसे पहली जो ड्यूटी बताई है पाठ्यक्रमों और पाठ्यचर्या का विकास और डिजाइनिंग करना दूसरी है व्याख्यान देना प्रयोगशाला गतिविधियों का संचालन करना इंटरनेट पाठ्यक्रम प्रदान करना ठीक है तीसरी जो इसमें ड्यूटीज बताई है नवाचार और उद्यमिता परियोजनाओं में छात्रों को प्रोत्साहित करना ठीक है और गतिविधियों के लिए आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान करना चौथी जो गतिविधि बताई है सहयोग से संयुक्त अनुसंधान परियोजनाओं या परामर्श सेवाओं को संचालित करना ठीक है इसके बाद में अगली जो बताई है यह है संस्थान के नियमित संकाय सदस्य के साथ संयुक्त रूप से कार्यशालाएं सेमिनार आयोजित करना विशेष व्याख्यान और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना फिर बताइए परीक्षा का कर्तव्य संचालन और मूल्यांकन निरीक्षण पेपर सेटिंग है जो जो है है करना अब इसमें इसमें बात करते हैं वेतन की कि आपको कितनी सैलरी वो प्रदान की जाएगी फुल टाइम एंगेजमेंट या पार्ट टाइम कंसोलिडेंट अमाउंट मैंडेटरी एग्रीमेंट बिटवीन द मध्य प्रदेश भोज ओपन यूनिवर्सिटी एंड यानी इसमें कहा है कि जो यूनिवर्सिटी है और जो एक्सपर्ट है विशेषज्ञ है उनके बीच में आपस में जो बार्गेनिंग होगी उसके अकॉर्डिंग उसका वेतन जो है वो तय किया जाएगा यानी इसमें कोई फिक्स वेतन नहीं है आपकी संबंधित फील्ड के अंदर जो क्वालिफिकेशन है और आपका जो एक्सपीरियंस है ठीक है और आप कितनी बारगेनिंग कर पाते हैं यूनिवर्सिटी को आपकी कितनी आवश्यकता है आप कितना उसको जो है संतुष्ट कर पाते हैं उसके अकॉर्डिंग इसमें बातचीत के जरिए आपका वेतन जो है वो तय किया जाएगा तो अगर आप इसमें आवेदन करने के इच्छुक है तो आपको क्या करना है आवेदन फॉर्म जो है उसकी हार्ड कॉपी आपको ईमेल के जरिए भेजनी है ये ई एड्रेस है इसके जरिए आपको अपने आवेदन फॉर्म की हार्ड कॉपी जो है वो सबमिट करनी है और ये किसके नाम से भेजना है रजिस्ट्रार मध्य प्रदेश भोज ओपन यूनिवर्सिटी ये जो है भोपाल इसके नाम से आपको अपना आवेदन फॉर्म जो है भेजना है ठीक है बाकी विस्तृत जानकारी के लिए आप यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के और देख सकते हैं लेकिन ये रोलिंग विज्ञापन है यानी इसके अंदर कोई जो है आवेदन फॉर्म करने की लास्ट डेट नहीं होती है इसमें आप वर्ष भर जो है आवेदन कर सकते हैं ठीक है तो हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद